हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टैरो रीडिंग ट्रिपल नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग है कि आप कब रिकनसाइल होगी, कब रियोनाइट होगी आपके पर्सन से। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी आती है। फ्रेंड्स, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। ओ किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ दोनों किंग किंग के कार्ड आ गए। किंग किंग किंग, ओ फाइव ऑफ पैंच, ओ सॉरी फाइव ऑफ कप्स है, पेंटिकल्स नहीं है, फाइव ऑफ कप्स, ओ टेन ऑफ, ओ माय गॉड। फ्रेंड्स, यहाँ पे टेन ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी साथ साथ में आ गई है। मैं क्या बताऊँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मैं कैसे एक्सप्लेनेशन दूँ। ये दोनों की दोनों एनर्जी एक ही साथ आ जाना, टेन ऑफ कप्स, और बहुत अच्छी एनर्जी है ये। फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन के पास ना ऑप्शन है, पहले थे, यही हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन के पास ऑप्शन है, लेकिन इस पर्सन को उस ऑप्शन की पड़ी नहीं है। बहुत दुखी देखिए इंसान है, खड़ा है, ऑप्शन है। कप्स यानी क्या होते हैं, लव, प्यार, फीलिंग्स, ऑप्शन की एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी ये इंसान उस कप्स के सामने देख ही नहीं रहा। देखो इमेज में पानी है, पानी होता है ना तो बहुत फीलिंग्स होती है। बहुत दुखी है ये पर्सन, बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में है ये पर्सन इस वक्त। आपकी लाइफ में कोई साइलेंट पास्ट लवर या कोई फ्रेंड या कोई एक्स जो भी हो आपकी लाइफ में यू टर्न लेके आ रहा है। ये पर्सन ना अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं, और आप उनका हो सकता है कुछ मैनिपुलेटिव वेज था, कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, तो ये पर्सन उसको भी रिलीज जरूर करेंगे। वो बताना चाहते कि अब वो ये पर्सन आपको कितना मिस करते हैं, और जो आप इम्पोर्टेंस है ना आपकी इस पर्सन की लाइफ में, उस इतनी इम्पोर्टेंस किसी दूसरे पर्सन की है ही नहीं इस पर्सन की लाइफ में। जितना आप मैटर करते हैं ना, उतना कोई और मैटर करता भी नहीं है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन वेल्दी हो, या अगर वेल्दी नहीं है तो अपने इस वक्त अपने फाइनेंस या करियर में थोड़े फोकस्ड है, ऐसी एनर्जी होती है, और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। वैसे यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी आई है, तो हो सकता है, देखिए दो एनर्जी होती है, हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग नेचर वाले हो, आपको थोड़ा कंट्रोल करते हो, थोड़ा गुस्सा करते हो, थोड़ी अपनी ही बात मनवानी अच्छी लगती हो, जैसे अपना ही जो वो खुद कहते हैं वैसा ही होना चाहिए। और अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी ना हो ना, तो ये थर्ड पार्टी की दूसरी एनर्जी ये होती है कि हो सकता है कि उनकी फैमिली में उनके फादर फिगर या कोई मेल की एनर्जी आई है जो थोड़ी डोमिनेटिंग हो, जिनकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन यहाँ पे नो कम्युनिकेशन की एनर्जी आई, तो हो सकता है कि इस वक्त आप कम्युनिकेशन ना हो आप लोगों का। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो मैंने बताया ना कि हो सकता है उनके फादर फिगर हो, कोई उनके पिताश्री या कोई बड़ा भाई या कोई मेल की एनर्जी आई है जो डोमिनेटिंग है, जो आपके पर्सन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो लेकिन बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊं, बहुत मिस करते हैं आपको, और जितना आपने ना इस पर्सन को सपोर्ट किया ना, उतना किसी ने भी नहीं किया इस पर्सन को। हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा झूठ भी बोले हो आपको सिचुएशन को लेके, या थोड़ा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट आपको भी किया हो आपके पर्सन ने, लेकिन वो ना अपने ही झूठ में ट्रैप्ड हो गए हैं। उन्हें डर है कि आप नहीं उन्हें को कभी माफ नहीं करोगे। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है, उन्हें ऐसा है कि आप नहीं माफ करोगे, और आप उनको इवन कोई चांस भी नहीं दोगे। वो अपनी बात एक्सप्लेन कैसे करे, उनको खुद भी कोई वे नहीं मिल रहा, कुछ कुछ सूझ नहीं रही है रहा उनके दिमाग में कि कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करे आपके सामने। ये पर्सन ना आपके साथ रिलेशन, पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी की राह देख रहे हैं कि कब मौका मिले और आपको सच बता सके। कुछ सच तो था, देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ किंग की एनर्जी, इस वर्ड्स की थर्ड पार्टी की भी एनर्जी यहाँ पे आई है, लेकिन फ्रेश स्टार्ट जरूर करना चाहते हैं। दे आर कमिंग बैक टू कन्फेस देयर लव। लेकिन यहाँ पे टेन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है और टेन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। ये दोनों एनर्जी है ना मैरिज की एनर्जी होती है, आपको सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं, लाइफ टाइम कमिटमेंट, सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं।
टेन ऑफ कप्स की एनर्जी मैरिज की एनर्जी होती है और टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मैरिज विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है। वैसे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे के भी दो दो कार्ड आए हैं, तो हो सकता है, मैंने बताया ना कि आपके पर्सन हो सकता है वेल्दी हो, या फिर हो सकता है कि इस वक्त वो अपने करियर में फोकस्ड हो ताकि आपको कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सके, क्योंकि फाइनेंस भी यहाँ पे आया है। लेकिन टेन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है, देखो एक कपल है, किड्स खेल रहे हैं और कितनी हैप्पीनेस है, मैरिज की एनर्जी होती है। और टेन ऑफ पेंटिकल्स भी देखो कपल है, कुछ डॉग्स है, मीन्स पैट्स होते हैं ना, देखो यहाँ पे किड्स है, यहाँ पेरेंट्स है, और ये जो पेंटिकल्स होता है ना ज्यादातर मटेरियल चीजों को ही दिखाता है। देखो इसके नीचे भी किंग ऑफ वैंड्स आया, आज किंग कितने आए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स वैसे थे ना थोड़े गुस्से वाले पर्सन की भी एनर्जी होती है, कैसे पर्सन की एनर्जी जो हेड ओवर हार्ट डिसीजन लेते हो, दिमाग से ज्यादा सोचते हो, थोड़े प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो यस, मैंने क्या, हमारी रीडिंग का टाइटल क्या था कि कब रिकंसिलेशन होगा, तो मैजिकली एक मैजिक हुआ है इस रीडिंग में। दोनों टेन ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ कप्स दोनों सेलिब्रेशन की एनर्जी एक ही साथ आई है, तो टेन आया है इसका, ये भी सेलिब्रेशन मैरिज की एनर्जी और ये भी सेलिब्रेशन की एनर्जी, टेन टेन यानी दस, दस हफ्ते से लेके 10 महीने की मैं बता सकती हूँ, ठीक है। 10 हफ्ते से लेके 10 महीने तक हो सकता है कि रिकंसिलेशन हो जाए, तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है फ्रेंड्स, रिकंसिलेशन तो जरूर होगा। रिकंसिलेशन क्या, मैरिज होगी, मैरिज की ही एनर्जी होती है। अरे ये सिर्फ है ना मैरिज की एनर्जी होती है टेन ऑफ कप्स, एक प्यार भरी, एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप होती है, बहुत इमोशनल केयरिंग रिलेशनशिप होती है। और ये क्या होती है टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये लविंग केयरिंग पार्टनर तो है ही, लेकिन उसके साथ फाइनेंशियल वेल्थ और अबंडेंस की भी एनर्जी होती है, घूमना फिरना मजे करना, एक लग्जरियस लाइफ की भी एनर्जी होती है शादी के साथ साथ। तो दोनों की दोनों एनर्जी यहाँ पे आ गई, मैजिक हो गया है। तो कब रिकंसाइल हो गए, तो 10 हफ्ते से लेके 10 महीने तक मैं बता सकती हूँ। लेकिन आपको ना पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि जो आप कॉन्स्टेंटली सोचते हो और महसूस करते हो ना, वही आपको रियल एग्जैक्ट एनर्जी वही मिलती है। आप जो सोचते हो मैसेज करते हो ना, देखिए आप वही वही यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हो, यूनिवर्स को नहीं, यूनिवर्स सिर्फ हमें हमारी जो एनर्जी होती है ना वही रिटर्न में देती है। अगर देखिए आप, अगर आप कंफ्यूजन में हो ना, देख आपने कभी नोट किया है, अगर आप कंफ्यूजन में होगे ना तो यूनिवर्स मिरर बैक करेगी और आपको कंफ्यूजन ही देगी। यूनिवर्स से आपकी अंदर की तो कंफ्यूजन है, प्लस यूनिवर्स से भी आपको मिलेगी। तो आपने कभी नोट किया है, अगर आप कंफ्यूजन में रहोगे ना तो दिन पे दिन आपकी जो कंफ्यूजन है ना वो बढ़ती जाएगी, कन्फ्यूजन खत्म नहीं होगी, दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ये है ना, ये पूरा यूनिवर्स होता है ना वो मैग्नेट जैसा होता है, ये पूरा यूनिवर्स एक तरह से मैजिक जैसा होता है, हम वही एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप आपके पर्सन की जो लाइक कमी महसूस करते हो ना अपनी लाइफ में, तो देखना दिन ब दिन जो कमी है ना वो बढ़ती जाएगी। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप जो एनर्जी महसूस करते हैं ना तो वही मिलती है। तो आप अपने दिमाग से ये कंफ्यूजन, नेगेटिव थॉट्स, ये लैकनेस होती है ना कमी वाली एनर्जी, इन सबको निकाल दीजिए, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप उल्टी ये एनर्जी रखते हो ना तो यूनिवर्स से वही अट्रैक्ट करते हो, यूनिवर्स आपको वही ज्यादा से ज्यादा आपको देती ही रहती है। आपका ना सब कुछ बढ़ता ही जाता, नेगेटिविटी जो होता है बढ़ती जाती है। आप पहले अपनी एनर्जी शिफ्ट करो, ये क्या, ये कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा आपकी लाइफ में आप पा सकती हो, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन के द्वारा मैनिफेस्ट कीजिए। आप कभी लेक माइंड सेट से मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, समझे आप? आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी होगी। आप ऐसा सोचिए कि आपके पर्सन आपके पास ही है, आपके पास सब कुछ है, हेल्थ वेल्थ अबंडेंस महसूस कीजिए, यूनिवर्स एग्जैक्टली वही एनर्जी आपको रिटर्न में देगी, श्योर देगी। तो फ्रेंड्स चलिए, अच्छी रीडिंग आई है, बहुत रिग्रेट करे, लॉस और रिग्रेट की एनर्जी आई, दुखी है आपके बिना, किसी और ऑप्शन की आपके पर्सन को नहीं पड़ी। तो फ्रेंड्स अच्छी रीडिंग आई है, तो 10 हफ्ते से लेके 10 महीने तक रिकंसिलेशन हो जाएगा। पॉजिटिव रहिए, स्ट्रांगली पॉजिटिव, हायर वाइब्रेशन में रहिए। चलिए मिलती है हमारी अगली वीडियो में, टेक केयर।